गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल इन मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। और अभी तक हमने जो है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टनरशिप के टाइप्स जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम जो है वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में किस टाइप से अकाउंटिंग होती है। लेकिन इससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी पार्टनरशिप डीड। आप सबको पता है पार्टनरशिप डीड के बारे में, आपने स्टडी कर रखी है क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज में, टाइप्स ऑफ बिजनेस में। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, एंड देर आर सम बेसिक फीचर्स या बेसिक थिंग्स इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो इसकी जो मेन थिंग्स है पार्टनरशिप डीड की, कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या है पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाएगी ताकि फ्यूचर के अंदर किसी भी डिस्प्यूट से अवॉइड रह सके, है ना। तो यहां पर जो है पार्टनरशिप डीड की मेन थिंग्स में सबसे पहले नंबर 1 आएगा द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। इसी टाइप से द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, थर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, फिफ्थ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी जो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट गिवन करना है या नहीं करना है, करना है तो कितनी रेट से करना है, क्या उसकी रेट रहेगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ईच पार्टनर जो है बिजनेस से कितने पैसे जो है वो पर्सनल यूज कर सकता है, चाहे वीकली हो, मंथली हो, जो भी हो, वो मैक्सिमम कितने कर सकता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर ये ड्राइंग पर्सनल यूज करेंगे तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी, बोनस एंड कमीशन, प्रोविजन फॉर पार्टनर सैलरी बोनस एंड कमीशन, के किसी भी पार्टनर को कितनी सैलरी पे करेंगे उसके एक्टिव होने के लिए, है ना, उसकी सर्विसेज के लिए, बिजनेस को जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जो टाइम दे रहा है उसके लिए अगर सैलरी का प्रोविजन है तो हम उसको सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी बोनस एंड कमीशन। इसके अलावा ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स
एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यानी अगर पार्टनर ने जो है वो अपनी कैपिटल के अलावा बिजनेस को अगर लोन गिवन किया है, पैसा दिया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना गिवन करेंगे, क्या उसकी रेट रहेगी। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मेनी अदर थिंग्स जिसका हम जो है फर्दर लेसन्स के अंदर और स्टडी करेंगे। अभी हमारी बेसिक्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो ये सारे बेसिक फीचर्स है, ये आपको लर्न भी करने हैं, ज्यादा नहीं, बस इसमें से कोई भी पांच नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पार्टनरशिप डीड, कि भाई पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा, तो उस रिटन एग्रीमेंट के अंदर ये मुख्य बातें होनी चाहिए। ओके, नाउ अब है कि अगर वहां पे कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो वैसे तो वो पार्टनरशिप भी नहीं होती है। अगर वहां पे कोई भी रिटन एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बिटवीन में कोई भी नहीं हो रखा है अमंग द पार्टनर्स, तो वहां पे वो पार्टनरशिप भी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो पार्टनरशिप तो कर लेते हैं लेकिन उनके बीच कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, ओरली कर लेते हैं। तो अब इन रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारी क्या है, इन एब्सेंस है, यानी उसकी जो है कमी है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यानी कि क्या रूल्स हमें मान करके जो है वो फर्म की अकाउंटिंग करनी है, जो है अदर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए देखिए रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा इक्वल, यानी सबका 1:1:1। अगर 3 पार्टनर है 1:1:1, यानी कि 3 इक्वल पार्ट के अंदर प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन, ये हम गिवन नहीं करेंगे जब तक उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, ये भी हम वसूल नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर सैलरी या बोनस या कमीशन विल नॉट बी गिवन। ये भी किसी भी पार्टनर को बिजनेस रन करने के लिए जो भी उसने सर्विस प्रोवाइड करवाई है बिजनेस को अपनी, उसके लिए किसी भी टाइप का जो है वो सैलरी बोनस या कमीशन का पेमेंट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर लास्ट आता है नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये जो है वो 6% पर एनम गिवन किया जाएगा, विल बी गिवन। ओके, चार्ज करेंगे, तो पार्टनर ने जो भी लोन गिवन किया बिजनेस को उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट गिवन करेंगे। ओके, तो ये थे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स एप्लीकेबल,
ध्यान से देखें, फर्स्ट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अगर टू पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट के दो इक्वल पार्ट करने, 3 है तो 3 पार्ट करने, 4 है तो 4 पार्ट करने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर तो होगा, दो चीजें एक साथ होगी कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड इज नॉट अप्लाइड। तो यहां पर जो है वो जब ये क्वेश्चन में लाइन गिवन होगी पार्टनरशिप डीड इज नॉट अप्लाइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में भले गिवन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, बट वहां पे विल नॉट बी गिवन, हम उसे गिवन नहीं करेंगे ना उसको रिकॉर्ड करेंगे किसी अकाउंट के अंदर। ओके, क्योंकि वहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर चाहे भले क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ भी गिवन हो देने के लिए, लेकिन हम उसको गिवन नहीं करेंगे। इनका जो भी प्रोविजन दे रखा है ये प्रोविजन हम उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, किसी भी अकाउंट के अंदर। क्लियर? तो अब हम जो है वो स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनरशिप में कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो सेम अकाउंटिंग है क्लास 11 की जो हमने सोल बिजनेस में की थी। वही बिजनेस कैसा भी हो उसका प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो हर बिजनेस में सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है हमारी, वो अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, जर्नल एंट्री से। कहाँ से स्टार्ट होती है, जर्नल एंट्री से, और जर्नल एंट्री से होकर के हम एंड कहां करते हैं इसको, फाइनल अकाउंट पर। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, फाइनल अकाउंट तक। जर्नल एंट्री के बिटवीन में लेजर आता है, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस आता है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस से फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट। ओके, और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट भी हमने स्टडी किया था क्लास 11th के अंदर। देखिए तो मेन मकसद क्या है ये सारा, ये हमारा जो मेन पर्पज है, जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है हम यूज करते हैं, है ना। तो अब यहां पर जो है वो मेन बात है कि लास्ट ईयर हमने जो किया था 11th क्लास में जो आपने किया वो क्या था, सोल बिजनेस। सोल बिजनेस में फाइनल अकाउंट के अंदर जो आप प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को किस में लिखा जाता है, पीएनएल में। कहां लिखा जाता है, बाई वाली साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस वगैरह सारे रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये आपने, हमने लास्ट ईयर जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत जो है वो अंडर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्या फाइंड किया था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस का। अब इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते थे, बैलेंस शीट, और इस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस जो भी होता था, तो नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम करते थे कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे, है ना, और लॉस होता तो उसे लेस कर देते थे, है ना। तो
जब भी अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो कैपिटल के अंदर जो एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देते, एडिशनल कैपिटल है तो ऐड कर देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको ऐड कर देते, और कुछ आइटम थे जो लेस होते थे जैसे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, है ना, तो ये सारे जो इनकम टैक्स ये सब क्या होते थे, लेस होते थे, जो भी पर्सनल यूज वाले और एक्सपेंसेस है उसके प्रोप्राइटर के वो सब हम क्या करते थे, लेस करते थे। ओके, तो ये तो था सोल बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे पार्टनर ज्यादा है, तो वहां पे पार्टनर ज्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे कि जो कैपिटल है उस कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, उसके टू मेथड्स हैं, वो हम अब आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी जो प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे उसका सेम प्रोसीजर यही रहेगा कि भाई जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि हमारे हमको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि इसके आगे का थोड़ा सा चेंजेस प्रोसीजर है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ओके, अब बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बनेगी, पहले कुछ और जो है अकाउंटिंग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि भाई द ग्रुप ऑफ पर्सन विच एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस विच कैरिड ऑन ऑल और वन ऑफ देम, यानी कि वो क्यों ना जो है ग्रुप बनाया उन्होंने, क्यों पार्टनरशिप में ऐड हुए कि भाई बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये बिजनेस का हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स ने क्या करना है, शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो देखिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, है ना। तो टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज ओपन अ स्पेशल अकाउंट इज नॉन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट्स नेचर इज नोमिनल, इट्स नेचर इज नोमिनल, यानी ये नोमिनल टाइप का अकाउंट है। ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो नेट प्रॉफिट को शेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बिजनेस का फर्म का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो नेट प्रॉफिट तो आप सबको मालूम है, हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो कहां लिखते थे, बाई वाली साइड में, और नेट प्रॉफिट है तो ये अब इसी का एक्सटेंशन है आगे, और ये जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हम कहां लिखेंगे, बाई वाली साइड में, बाई नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये उस अकाउंट से इस अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर। ये ध्यान रखें, ये जो है वो इनकम के लिए क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस के लिए डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, और इसकी इनकम क्या है, एक तो नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसके एक्सपेंसेस कौन से होंगे, इसके एक्सपेंसेस होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, एनी ट्रांसफर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। ओके, तो देखिए अब इसका हम कंप्लीट फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्म का जो भी प्रॉफिट गिवन है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। ओके, अब हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो जो भी एडजस्टमेंट कौन से, जैसे मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, बोनस एंड कमीशन, जनरली यही सारी चीजें होगी। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है तो इसको हम यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, जितने पार्टनर होंगे उन सबका एक बार तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इसको टोटल करके बाहर ले लेंगे। ओके,
फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि इनकम है तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ईयर भी आप पीएनएल के अंदर जो है क्रेडिट में लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी के बाद टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। अब ये जिस पार्टनर को भी गिवन होगा, जैसे ए और बी को अलग अलग गिवन है तो ए और बी, ये भी अगर दोनों को गिवन है दो तीन पार्टनर को, तो उनका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के टोटल को बाहर ले लेंगे। ओके, और अगर सिंगल व्यक्ति मैंने, यानी कि अगर ओनली फॉर जो है वो एक ही पार्टनर को जो है वो सैलरी या कमीशन पे हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए को हो रहा है तो टू एज सैलरी, टू बीज कमीशन, इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी एडजस्टमेंट्स है क्वेश्चन में गिवन होंगे वो सारे रिकॉर्ड करने के बाद हम क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल का डिफरेंट देखेंगे। दोनों साइड के डिफरेंस जो होगा वो होगा डिवाइजिबल प्रॉफिट या लॉस, डिवाइजिबल प्रॉफिट या लॉस। तो डिवाइजिबल प्रॉफिट या लॉस, तो इधर की टोटल में से इधर की टोटल को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डिफरेंट फाइंड करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट या डिवाइजिबल लॉस। उस डिवाइजिबल प्रॉफिट या लॉस को जो है उनके अंदर जो पहले से एग्रीड रेशियो है उस एग्रीड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अदरवाइज करंट अकाउंट, और अगर लॉस है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ए बी, जो भी उनका एग्रीड रेशियो उस एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिवाइजिबल प्रॉफिट, ये हमारा लॉस, और ये पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, देखिए टोटल का डिफरेंट जो होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा। तो दोनों साइड से ये देखेंगे ग्रेटर कौन सा है, अगर डेबिट ग्रेटर है तो लॉस और क्रेडिट ग्रेटर है तो प्रॉफिट। ओके, तो जो साइड कम होती है, जिधर लोअर होती है उसी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस को। तो अगर ये ज्यादा है तो इधर रिकॉर्ड करेंगे और ये ज्यादा है तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्लियर। हाँ, एक चीज और है इसके अंदर ट्रांसफर वाली, जैसे कि आपको मालूम है हमने लास्ट ईयर रिजर्व के बारे में स्टडी किया था। रिजर्व, तो रिजर्व क्या होता है कि भाई प्रॉफिट में से जो है सेटलमेंट करना बिजनेस के फ्यूचर के लॉसेज वगैरह, जो भी अननोन लॉसेज और कम्युनिटेड प्रोविजन है उसके लिए पहले से क्या करना, अरेंजमेंट करना, तो वो हमारा क्या होता है, रिजर्व होता है। तो यहाँ पर भी ट्रांसफर भी एक रिजर्व ही है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई डिवाइजिबल प्रॉफिट का 10% आप ट्रांसफर कीजिए जनरल रिजर्व के अंदर, क्या कीजिए, जनरल रिजर्व के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना इस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मोस्टली ये प्रॉफिट होगा तभी होगा, ट्रांसफर लॉस वाले में नहीं होता है, क्योंकि लॉस है तो फिर हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, है ना, जब पैसा ही नहीं है तो बचत कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, जब हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज देना है, ठीक है, प्रॉफिट का। यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट लिखने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब लिखने के बाद जो ट्रांसफर वाला है अब उसकी बारी आएगी। तो वो जो है ट्रांसफर वाले के अंदर डिवाइजिबल प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेंगे, भाई डिफरेंट दोनों का कितना हो रहा है, क्रेडिट का और डेबिट का। तो जो डिफरेंट होगा उसका जितने परसेंट क्वेश्चन में गिवन होगी रेट, उस रेट से हम ट्रांसफर करेंगे, और फिर उसके बाद वापस रीटोटल करके
फिर डिफरेंट जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारा डिवाइजिबल प्रॉफिट आ रहा है 50,000 और वो कहता है 10% ट्रांसफर करो, तो 10% हम 5,000 रुपीज तो ट्रांसफर कर देंगे, टू ट्रांसफर यहां लिखा जाएगा टू ट्रांसफर, ओके और अमाउंट। फिर उसके बाद रिमेनिंग बच रहा हमारा 45,000 क्योंकि डिफरेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं 50,000 का, अब 5,000 ये हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 45,000। ये 45,000 जो है वो पार्टनर्स के अंदर जो उनका एग्रीड रेशियो है पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देर आर टू मेथड्स टू मेंटेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दो मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। फर्स्ट मेथड है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स के अंदर जो है वो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ऑलवेज ईयर आफ्टर ईयर जो है वो सेम रहती है। ओके, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल। अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल, यानी जब तक एडिशनल कैपिटल या तो नहीं लगाएंगे या कैपिटल कोई जो है विड्रॉल नहीं करेंगे तब तक कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो है वो दो अकाउंट ओपन करेंगे। देर आर टू अकाउंट्स विल बी ओपन इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, तो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर टू अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्ट इन दिस मेथड पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैपिटल इज ऑलवेज फिक्स। ओके, एंड वी एफिनेटली नो के जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ओनली फॉर जो है वो फोर आइटम्स इंक्लूड होंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड करेंगे इंक्लूड होंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये तो हमारा कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग, और ये हमारा कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। ओके, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शैल बी रिमेन सेम आफ्टर ईयर एंड ईयर, ईयर आफ्टर ईयर जो है वो क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। क्लियर, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और चेंजेस कब होंगे, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी या कैपिटल विड्रॉल होगी। तो यहाँ पे ये देखिए बाय कैश या बैंक अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, और इसी का ऑपोजिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये कैपिटल विड्रॉल हो जाएगा। ओके, अदरवाइज जब तक किसी क्वेश्चन में बाय ये एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल नहीं है तो बस ये बैलेंस सेम टू सेम रहेगा। अगर यहाँ 1 lakh है, 1 lakh एंड 2 lakh, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस 1 lakh एंड 2 lakh ही रहेगा, क्योंकि दोनों अकाउंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों साइड हमारी डेबिट और क्रेडिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बैलेंस के अंदर, है ना, लेजर के अंदर। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। उसमें पर्टिकुलर और फिर उतने कॉलम होंगे कि जितने की हमारे पास पार्टनर्स होंगे। ओके, नंबर्स ऑफ जो है अमाउंट के नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे। क्लियर, सिमिलरली तो ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कितने आइटम होंगे आएंगे, ओनली 4, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल विड्रॉल। ओके, नाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब अदर ट्रांजेक्शन जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड है वो सारे के सारे जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, रिलेटिंग टू कैपिटल सच एज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस एंड ETC। ओके,
तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अदर वाले जो भी है वो ट्रांजेक्शन कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर अदर सारे ट्रांजेक्शन किसमें रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर। तो जिस क्वेश्चन के अंदर भी अगर क्वेश्चन होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का, उसमें हमें टू अकाउंट के जो है वो बैलेंस गिवन होंगे पार्टनर्स के, एक तो कैपिटल अकाउंट के और एक करंट अकाउंट के। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस ही नहीं है, इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही होगा। ओके, देखिए तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें क्या क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट को छोड़कर जितने भी ट्रांजेक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो सारे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो फर्स्ट इसमें रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब देखिए मैंने ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी दोनों लिखा है, तो बेटा ये हमारा जो है ये है पॉजिटिव बैलेंस और ये है हमारा नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन होगा कि करंट अकाउंट के बैलेंस में जैसे ए का गिवन किया 10,000 और ब्रैकेट में होगा क्रेडिट, तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बी 15,000 क्रेडिट, तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सी 5,000 डेबिट, तो हम उस सी के बैलेंस को टू बैलेंस बीडी यहां रिकॉर्ड करेंगे सी का। ओके, तो जो नेगेटिव बैलेंस होगा यानी डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट में, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ अब जो भी पार्टनर के लिए इनकम है, जो पार्टनर को फर्म से जो है वो मिल रही है, वो सारी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। यानी कि आइटम्स विच इंक्रीज द कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ओके, एंड द आइटम विच रिड्यूस द कैपिटल रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ओके, अब देखिए सबसे पहले कैपिटल में कौन इंक्रीज करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इनकम भी है पार्टनर्स के लिए, सैलरी बोनस कमीशन ये भी उनके लिए एडिशनल इनकम है, है ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहा था टू वाली साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये हो जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसी टाइप से जो चीजें आइटम कैपिटल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जैसे ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये हमारा लॉस। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ आएगी? डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर उसके बाद दोनों साइड की टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल में जिधर भी डिफरेंट होगा वो डिफरेंट अमाउंट बैलेंस सीडी होगा हमारा, तो या तो टू बैलेंस सीडी आएगा या बाय बैलेंस सीडी। अगर किसी की डेबिट साइड ग्रेटर है तो बाय बैलेंस सीडी आएगा, और क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो रिमेनिंग अमाउंट यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस होगा? पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा टू बैलेंस कैपिटल और करंट का। अब आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो है वो कैपिटल हमारी जो है वो सेम नहीं रहेगी ऑफ ईयर आफ्टर ईयर, बल्कि वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ईयर आफ्टर ईयर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कैपिटल। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर केवल एक अकाउंट ओपन होगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑल ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है उनको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग प्रॉफिट, सैलरी बोनस कमीशन, ये सारे के सारे किसमें रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अब यहाँ पे कुल मिला के एक इजी वे ये है कि ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट है इसको आप मर्ज कर दीजिए, सेम कर दीजिए, दोनों को एक कर दीजिए, तो वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ यहां से करंट अकाउंट को हटाना है, करंट अकाउंट को भी और इसका बैलेंस भी, है ना। तो ये चीज जब यहां से हटा देंगे यानी रिमूव कर देंगे इसको, तो रिमेनिंग जो बचेगा सारे ट्रांजेक्शन वो हो जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिए सेम वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड टू वाली साइड में टू कैश कैपिटल विड्रॉल, फिर उसके बाद टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ
लॉस गिवन एंड लास्ट टू बैलेंस सीडी। ओके, तो बस क्या नहीं आएगा, ये हमारा बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, बाकी बस एक ही अकाउंट ओपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस मेथड के अंदर? सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंतर्गत, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड से जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, तो हम उस कंडीशन के अंदर सेकंड मेथड यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को ही अप्लाई करेंगे, उसी से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर क्लियरली क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि आप इसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से जो है वो सॉल्व कीजिए, या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की जगह अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों के बैलेंस गिवन है, तो इट मींस वो कौन सा मेथड यूज करने के लिए कह रहा है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कह रहा है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और वो खुद ही कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कीजिए, तो वही किया जाएगा। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनसे रिलेटेड एक दो एग्जांपल करेंगे, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड के और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, किस टाइप से प्रिपेयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।